हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका जो एफडीए का एग्जाम होने वाला है, एनालिटिकल केमिस्ट एंड सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का, उसके लिए बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके आरआरबी सिलेबस में भी मेंशन किया है, तो ये आपके एफडीए एंड आरआरबी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड इस पे मैंने एफडीए एंड आरआरबी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रखे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी? किसे बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटले, डार्विन, लैमार्क, पुरकेंजा। तो फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटले, ऑप्शन ए। देन प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन थे? एंटोनी वैन लिवेनहॉक। देन फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी लुइस पाश्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज? कौन सी लैंग्वेज से डिराइव की गई है टर्म बायोलॉजी? फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली, ग्रीक। द टर्म बायोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द लैंग्वेज, तो इसे डिराइव किया गया है फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज, क्या होता है बॉटनी? फाइटोलॉजी, फाइकोलॉजी, पेडोलॉजी, प्लांटोफाइटा। बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज, तो बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज फाइटोलॉजी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइकोलॉजी ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट, क्या स्टडी किया जाता है फाइकोलॉजी में? अल्गी, फंगाई, इकोलॉजी और वायरस। तो फाइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ अल्गी, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो स्पर्मोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सीड, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरमेंट, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, जियोलॉजी। किसमें होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट? तो ये इकोलॉजी में होता है ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एक्सोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बींग्स, लाइफ प्रेजेंट ऑन द अर्थ, लाइफ प्रेजेंट इन द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर, लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड ऑन अदर सैटेलाइट। क्या होता है इन एक्सोबायोलॉजी? तो एक्सोबायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लाइफ फाउंड इन स्पेस एंड ऑन अदर सैटेलाइट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म बायोलॉजी वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय एरिस्टोटले, डार्विन, लैमार्क, लैमार्क एंड ट्री वायरेनस। द टर्म बायोलॉजी वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय, तो ये हो जाएगा लैमार्क एंड ट्रेविरेनस, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। द टर्म बायोलॉजी वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइंटिस्ट हू इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी? एरिस्टोटले, डार्विन, थियोफ्रेस्टस, लिनियस। फादर ऑफ बॉटनी, तो एरिस्टोटले कौन देखे थे हमने? तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटले, फादर ऑफ बॉटनी तो ये है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटले, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोफाइट्स आर एक्वेटिक प्लांट, प्लांट डिसीज, रूटलेस प्लांट, ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द सी। क्या होते हैं हाइड्रोफाइट्स? तो ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इंटरब्रीड फ्रीली, डू नॉट इंटरब्रीड, लाइव टुगेदर, नन ऑफ दीज। स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच, तो ये होता है इंटरब्रीड फ्रीली, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच इंटरब्रीड फ्रीली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉपिक थैलोफाइट्स इज कॉल्ड एज फंगाई, ब्रायोफाइट्स, अल्गी, लीचेंस। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉपिक थैलोफाइट्स, क्या बोलते हैं इन्हें? तो ये होते हैं अल्गी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल ऑफ प्लांट, कौन सा होता है लिविंग फॉसिल ऑफ प्लांट? जिंकू, पाइनस, मिराबिलस, डलबेर्जिया। लिविंग फॉसिल ऑफ प्लांट तो ये जिंकू होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इज फाउंड इन, किसमें होते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स? मैन, टेरिडोफाइट्स, एलिफेंट, एंजियोस्पर्म। लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इज फाउंड इन, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं टेरिडोफाइट्स में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लांट बर्ड इज एन एम्ब्रियोनिक शूट, एन एम्ब्रियोनिक लीफ, एन एम्ब्रियोनिक स्टीम, ए सीड। ए प्लांट बर्ड इज, क्या होता है प्लांट बर्ड? तो यह होता है एन एम्ब्रियोनिक शूट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन प्रोटोजोआ, किसे बोला जाता है ग्रीन प्रोटोजोआ? अमीबा, पैरामेशियम, लेशमेनिया, युग्लेना, ऑल्सो नोन एज ग्रीन प्रोटोजोआ। तो युग्लेना को बोला जाता है ग्रीन प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। युग्लेना इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो ब्लड बट दे रेस्पायर? कॉकरोच, अर्थवॉर्म, हाइड्रा, कांगारू। ब्लड नहीं होता बट ये रेस्पायर कर सकते हैं, कौन होगा? तो कॉकरोच होगा ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पिगमेंट फाउंड इन द ब्लड ऑफ अर्थवॉर्म, कौन सा पिगमेंट होता है अर्थवॉर्म के ब्लड में? हेमोसाइनिन, हेमैटिन, हीमोग्लोबिन, साइनिन। तो पिगमेंट फाउंड इन द ब्लड ऑफ अर्थवॉर्म हीमोग्लोबिन होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, कौन सा है इनमें से कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट? अमीबा, युग्लेना, प्लाज्मोडियम, पैरामेशियम। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, तो ये होता है युग्लेना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसेंट्री इज? अमीबा, एंटामीबा, पैरामेशियम, ट्राइपैनोसोमा। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिसेंट्री? तो ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है ना, डिसेंट्री का कॉजेटिव एजेंट, ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो वॉज डिस्कवर्ड बाय? लुइस पाश्चर, रोनाल्ड रॉस, चार्ल्स डार्विन, मैंडेल। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो किसने डिस्कवर किया था? तो रोनाल्ड रॉस, इन्होंने डिस्कवर किया था ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कटल फिश इज ऑल्सो नोन एज? लोलिगो, सेपिया, पीला, टॉर्पेडो। क्या बोला जाता है कटल फिश को? तो इट इज ऑल्सो नोन एज सेपिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टारफिश ग्रुप्ड अंडर फाइलम, कौन से फाइलम में आता है स्टारफिश? मोलुस्का, फिशेस, ऑर्थ्रोपोडा, इचिनोडर्माटा। स्टारफिश ग्रुप्ड अंडर फाइलम, तो स्टारफिश आता है इचिनोडर्माटा में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसेक्ट्स हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, फोर पेयर्स ऑफ लेग्स, फाइव पेयर ऑफ लेग्स, नन ऑफ दीज। कितने लेग्स की पेयर होती है इंसेक्ट्स में? तो थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन? कॉकरोच, स्नेल, कटल फिश, ऑल। किसमें होती है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम? तो ये होती है कटल फिश में, ऑप्शन सी। कटल फिश हैज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइजन इन स्कॉर्पियन इज फाउंड इन? माउथ, लेग, हैंड, टेल्सन। कहाँ पे होता है पॉइजन इन स्कॉर्पियन? तो ये टेल्सन में होता है, ऑप्शन डी। टेल्सन क्या होता है? तो ये होता है टर्मिनल सेगमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्थोपॉड, टेल्सन। एंड पॉइजन इन स्कॉर्पियन इज फाउंड इन टेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्वा ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड प्यूपा, मैगॉट, कैटरपिलर, टैडपोल। क्या बोला जाता है लार्वा ऑफ फ्रॉग को? तो इसे बोलते हैं टैडपोल लार्वा, ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड इज? कौन सा है लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड? पेंगुइन, कीवी, ऑस्ट्रिच, एमू। तो ये ऑस्ट्रिच होता है ना, लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइज ऑफ कैट शाइन्स ड्यूरिंग नाइट ड्यू टू, क्यों शाइन करती है आइज ऑफ कैट्स ड्यूरिंग नाइट? स्पेशल काइंड ऑफ लेंस, टैपेटम लूसिडम, इफेक्ट ऑफ जिन, रीजन इज नॉट नोन। आइज ऑफ कैट शाइन्स ड्यूरिंग नाइट ड्यू टू, तो ये होता है ड्यू टू टैपेडम लूसिडम, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है टैपेटम लूसिडम? तो ये एक रिफ्लेक्टिव लेयर होता है इन द आइज ऑफ मेनी वर्टेब्रेट्स विच हेल्प्स देम टू सी बेटर इन लो लाइट। ये होता है एक रिफ्लेक्टिव लेयर जो हेल्प करता है टू सी बेटर इन लो लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश आर कॉमनली नोन एज कॉम जेलीज, किसे बोला जाता है कॉम जेलीज? प्लैटी हेलमेंटिस, ऑर्थ्रोपोडा, टेनोफोरा, मोलिस्का। कॉमनली नोन एज कॉम जेलीज, तो ये हो जाएगा क्नेटोफोरा, ऑप्शन सी। क्नेटोफोरा और कॉमनली नोन एज कॉम जेलीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने बायोलॉजी के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देख लिए। इनमें जो FDA एंड RRB के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं उसके कुछ क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रखे थे। सो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, स्पेशली FDA एंड RRB एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।